नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य उत्तरायण के बारे में। सूर्य उत्तरायण का क्या मतलब है और क्या महत्व है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सूर्य जब दक्षिण गोलार्ध से और उत्तरी गोलार्ध की तरफ मूव करते हैं तो उसे सूर्य उत्तरायण कहा जाता है। और ऐसे समय में रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं और दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरे वे में इस दिन देवताओं का दिन शुरू हो जाता है, यानी देवता लोग जाग जाते हैं तभी सूर्य उत्तरायण होता है। और ये मकर संक्रांति से शुरू होता है, यानी अब ये 15 जनवरी 2024 से सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, देवताओं का जागरण हो चुका है और इसके साथ साथ ये समय शुभ हो चुका है। तो सूर्य उत्तरायण के समय सूर्य मकर संक्रांति को मकर राशि में प्रवेश करते हैं धनु राशि से, जो कि वो 15 जनवरी को प्रवेश कर चुके हैं। अब बात यह है कि जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, कितना शुभ है। खास करके देखिए कि उन राशियों के लिए नंबर एक, सबसे पहले जो बृहस्पति महाराज की राशि है पाइसिस मीन राशि, उसके लिए इस समय सूर्य का जो ये संचार है मकर राशि में बहुत फायदेमंद है। आपको सरकारी नौकरी से दूसरी नौकरियों से फायदा होने जा रहा है, प्रमोशन रुका हुआ है तो उसमें फायदा होगा। और अगर आप अपने पिता की सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं और अपने सुपीरियर से बना के रखते हैं तो आपको अच्छा फायदा होगा और अच्छे दोस्तों से भी आपका मिलन होगा और जिसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। दूसरी राशि मैं कहूँगा सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि, इनको भी काफ़ी फायदा होगा। दुश्मनों पे हावी होंगे, कोई कोर्ट कचहरी के केस हैं, कोई सरकारी मुकदमे हैं, कोई सरकार में आपका कोई पेंशन का केस है, कुछ भी कोई किसी तरह का केस चल रहा है परेशानियों का, तो वहाँ आपको निजात मिलेगी बीमारियों से भी। इवन अब बात करूँ मैं तीसरी राशि, वो खुद मकर राशि जहाँ से सूर्य देव एंटर हुए हैं और मकर संक्रांति से देवताओं के आगमन से ये संचार शुरू हुआ है, तो काफ़ी फायदा होगा आपको। और आप ऐसे समय में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा, आपके कामों में रुकावट नहीं आएगी, व्यापार वृद्धि वगैरह अच्छी होगी। तो ये रहा सूर्य का उत्तरायण के फायदे, किन किन राशियों को ज़्यादा है। बाकी राशियां फायदा उठा सकती हैं अपने कर्मों के अनुसार, मगर सबसे ज़्यादा फायदा इन राशियों को है। इसके बाद सूर्य जैसे आपके भाग्य स्थान पर आएंगे किसके, टॉरस राशि के, तो आपको भी काफ़ी फायदा होगा। उसी तरह से आपके सूर्य दशम भाव पे होंगे, जो मैंने बताया आपको वो कौन सी राशि होगी, मेष, आपको काफ़ी फायदा होगा। आपके कर्म भाव से हैं, कोई नौकरी का काम है कहीं पे भी, तो वहाँ भी आपको फायदा होने जा रहा है। ये बात थी जिनको ज़्यादा कर्मानुसार फायदा है। सावधानी के लिए जैसे है मिथुन राशि, सावधान रहें थोड़ा सा। उसी तरह से एक्वेरियस कुंभ राशि,
आप भी थोड़ा सावधानी रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। और तुला राशि, आप भी थोड़ा सावधानी से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप कहीं एजुकेशन में हैं तो आपकी कन्या राशि के जातक जो है यहाँ अपनी हायर एजुकेशन वगैरह में भी फायदा उठा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि देखिए महाभारत में कौन थे पितामह। पितामह ने भी जो है सूर्य उत्तरायण का इंतजार किया अपना शरीर छोड़ने के लिए, भीष्म पितामह ने। क्यों? क्योंकि उस दिन देवताओं का जागरण होता है। तो यह है सूर्य उत्तरायण का महत्व। इस दिन आप स्नान दान करें, इस दौरान जो जब ये सूर्य उत्तरायण स्टार्ट हो चुका है और गंगा जल में स्नान नहीं कर सकते तो कुछ गंगा जल घर में रखा हो तो पानी की बाल्टी में डालकर उसका स्नान करें। ये उपाय हैं जिनसे भी आपको फायदा होगा। और तिल का दान, गुड़ का दान और इसी तरह से आटे का दान और कंबल का दान, सर्दी का मौसम है, आप ऐसे समय में ये दान करें, आपको फायदा होगा। अपनी श्रद्धा अनुसार रोटी पे घी लगा के, गुड़ रख के और उस पर एक चुटकी तिल डाल के गाय को खिलाइए, देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जो कि देवता जागरण में आपको फायदा होगा। सूर्य को जल दें, उसमें कुमकुम डालें, शक्कर डालें और एक चुटकी हल्दी भी डालें तो आप सूर्य को जल दें, सूर्य उपासना करें, आपको फायदा होगा। आपकी श्रद्धा अनुसार जो आप दान करेंगे निडीज को तो आपको फायदा होगा, पशुओं को, पक्षियों को, जो भी खिलाएंगे आपको फायदा होगा। तो ये था सूर्य उत्तरायण के बारे में। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे और आप फायदा उठाएं, क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड के राजा हैं और राजा से फायदा उठाएंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे खुशहाली मिलेगी। खुश रहें। नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।